Hello student, today we are going to discuss our new topic, chapter 11, Profit and Loss. आज इसका introduction class होगा, इसमें जानेंगे profit क्या होता है, loss क्या होता है, इसमें बात करेंगे. उससे पहले हम लोग देखेंगे cost price क्या होता है, selling price क्या होता है. जब cost price और selling price के relation में profit कब होगा और loss कब होगा. Profit को gain कहते हैं, loss को loss ही कहते हैं यहाँ पर. तो यहां देखेंगे फिर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, और इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है जिसको लर्न करना होगा. आज पहला डे है, फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में हम लोग इतना चीज को देखेंगे. सबसे पहले हम लोग आते हैं पहला टॉपिक, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस. देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट मतलब खरीदने वाला दाम, जिस पे हम लोग किसी सामान को किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं, यानी कि जो आर्टिकल को जितने में खरीदा जाए यानी कि वो परचेज किया जाए. आर्टिकल मतलब होता है सामान, मैथमेटिक्स में कोई भी आर्टिकल को उसको कहते हो सामान कहते हैं. कोई भी सामान जैसे कि आप कभी के बॉल खरीदते हैं, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट खेलने वाले बॉल या बैट खरीदते हैं, तो ये सब हो गया मार्केट से परचेज करते हैं. जितने दाम में आप उसको खरीदते हैं वो आपका होगा कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि खरीदने वाला प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, सीपी जिसको कहते हैं. तो ये भी डिफिनेशन है, जिस किसी भी प्राइस पर जिस आर्टिकल को परचेस किया जाता है उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस. इन जनरल रिटेल उसको शॉर्ट में लिखते हैं सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस. दूसरा जो हमारा जो है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब किसी आर्टिकल को हमने 100 रुपया में परचेस किया, फिर उसको मैंने किसी और को बेचा, किसी और थर्ड पर्सन को मैं बेच रहा हूँ. तो जैसे कि मैंने खरीदा 100 रुपया में, उसको 120 में मैंने बेचा, तो हमने जिसको सेल किया जितने में सेल किया वो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस. इसको कहते हैं एसपी, यानी किसी आर्टिकल को जितने में सेल किया जाए वो कहलाता है सेलिंग प्राइस, उसको एसपी से इंडिकेट करते हैं. यहाँ पर एसपी होगा, सॉरी यहाँ पर एसपी, एसपी, एसपी यानी कि द सेल द प्राइस एट विच एन आर्टिकल सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस रिटेन एज एसपी. अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉफिट या गेन. प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं, गेन को प्रॉफिट भी कहते हैं, यानी फायदा. अगर किसी सामान को 100 रुपया में खरीदे हमने, परचेज किया, उसको 120 में हमने सेल किया यानी बेचा, तो प्रॉफिट होगा. इन जनरल अगर बात किया जाए तो हमने कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 100 रुपीज, हमने उसको सेल किया 120 रुपीज में, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी. तो सीपी 100 रुपया में खरीद के 120 में बेचेंगे तो हमको गेन होगा यानी प्रॉफिट होगा. हर हाल में क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट. अब प्रॉफिट कितना होगा, यहां पर अगर देखा जाए 120 माइनस 100 20 रुपीज का हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. ये जनरल हो गया. प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा तब. यानी कि प्रॉफिट कब होगा उस बात करते हैं, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस हो जाएगा. अगर वह सीपी एसपी से बड़ा हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा. यानी कि एसपी बड़ा है सेल किए 120 में और सीपी से एसपी बड़ा है, यानी कि 120 ये 100 है, तब हम कहेंगे गेन है. अगर उल्टा हो जाएगा वापस, अगर क्या हमने ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, यानी कि वहां लॉस हो जाएगा. तो गेन निकालने का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी, यानी जितने में हमने सेल किया और जितने में परचेज किया दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा गेन आ जाएगा. जैसे कि हमने बताया गेन यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट को गेन कहते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा. प्रॉफिट लिखे या गेन लिखे कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट यानी गेन हो गया. फिर गेन परसेंट निकालना है, कितने गेन परसेंट हुआ था. गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाय सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे ही गेन या लॉस परसेंट निकलेगा आप, तो गेन बाय सीपी इनटू 100 हो जाएगा. तो यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना आपको, तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100 हो जाएगा. आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है. इसी से रिलेटेड होगा आपको एक और, होगा आपको लॉस प्राइस, यानी कि हमारा जो होगा यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं लॉस प्राइस का, मतलब लॉस, लॉस का देख रहे हैं. 3 नंबर के बाद प्रॉफिट या गेन के बाद हम लोग बात करें लॉस के बारे में. लॉस कब होता है, हमने गेन देख चुका था, जब एसपी यानी कि सेल हम ज़्यादा में करते हैं और कॉस्ट कम होता है तब हमारा गेन होता है, जिसको हम लोग प्रॉफिट भी कहते हैं. अब लॉस कब होता है, जब हमारा जो सीपी जो है वह बड़ा हो एसपी से, मतलब ज़्यादा में परचेज करके कम में बेचे. अगर ज़्यादा में परचेज करके कम में बेचते हैं तो हमारा लॉस हो जाता है. जैसे किसी भी सामान को हम 100 रुपया में खरीदे और 90 रुपीज़ में सेल किए, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपीज़. अगर बात करें सीपी हमारा जो है वह है 100 रुपीज़ और एसपी जो है सेलिंग प्राइस है 90 रुपीज़ है, तो यहाँ देखेंगे कि सीपी बड़ा है यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा है एसपी से, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, लॉस. लॉस बराबर सीपी माइनस क्या होता है एसपी. अगर इसकी बात करें तो 100 माइनस क्या हो गया 90, दैट इज हमारा 10 रुपये का हो गया लॉस हो गया. यानी लॉस निकालने का मतलब यही है कि जब आपको कॉस्ट प्राइस ज़्यादा में परचेज करके कम में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा.
तो यहाँ लॉस बराबर आपको हो गया सीपी माइनस एसपी। कब? जब सीपी बड़ा हो एसपी से, तब लॉस होगा। और लॉस परसेंट बराबर इसी तरह से जैसे हम लोग गेन परसेंट में बात किए थे, गेन बाय सीपी इंटू 100, वैसे ही लॉस के लिए हो जाएगा। लॉस परसेंट के इक्वल लॉस बाय सीपी सेम हो जाएगा इंटू 100, और ये परसेंट का साइन परसेंट आ जाएगा। ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला था। तो सीपी आपको जब प्रॉफिट कब होता है, जब ज़्यादा में सेल किया जाए कम में खरीदा जाए। और लॉस कब होता है, जब जब आपको खरीद जितना में परचेज करते हैं उससे कम दाम में सेल किया जाए, यानी कि एसपी कम हो सीपी ज़्यादा हो। तो आई थिंक ये दो आपको फॉर्मूला थ्री और फॉर्मूला फोर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि आपको प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला हमारा 1, 2, 3, 4, यहाँ पर तो चार फॉर्मूला देख लिए। इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला है जिसका यूज पड़ेगा इस चैप्टर में, उसको आज देख लेते हैं। तो रिलेवेंट फॉर्मूलाज देख रहे हैं हम, जो प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड है, जिसका यूज पूरे चैप्टर में होने वाला है। जितने भी मैथ बनाएंगे यही फॉर्मूला पर बनेगा। तो फॉर्मूला पहले समझते हैं। ये गेन के बारे में हम लोग पीछे में देख चुके थे, इससे पहले गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है, गेन परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, इसको हम लोग जान रहे हैं। फर्स्ट फोर फॉर्मूला को 1, 2, 3, 4 यहाँ से मिल ली। 5, 6, 7, 8 हमको देखना कब है। अब यहाँ पर बात करेंगे एसपी आपको फाइंड करना है। यहाँ पर दो चीज़ गिवन होगा, गेन परसेंट आपको दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा। ये ऑलरेडी गिवन होगा आपको, मतलब ये फॉर्मूला का यूज कब करेंगे। देखिए एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो ये कब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जब एसपी आपको फाइंड करना होगा। जब एसपी आप फाइंड करना होगा, दिया क्या क्या होगा, गेन परसेंट के वैल्यू दिया होगा और कॉस्ट प्राइस यानी सीपी देना होगा तब। यानी कि यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं व्हेन गेन परसेंट एंड आप कह सकते हैं सीपी आर गिवन, यानी कि जब आपका गेन परसेंट और सीपी दिया होगा तब एसपी का फॉर्मूला यूज ये करेंगे। फिर उसी तरह से एसपी का फॉर्मूला जब लॉस परसेंट और सीपी दिया रहेगा। एसपी दो तरह से होता है, सेलिंग प्राइस हम दो तरह से निकाल सकते हैं, जब प्रॉफिट होगा तो भी यानी गेन होगा तो भी, लॉस होगा तो भी हम निकाल सकते हैं, दोनों में निकलता है। तो यहाँ हमारा एसपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, उसी तरह होगा। यहाँ पर लॉस परसेंट जब दिया होगा, लॉस परसेंट और सीपी दिया रहेगा तब। तो ये एसपी एसपी का फॉर्मूला दो है, जब एसपी जब गेन परसेंट सीपी दिया हो, एसपी जब लॉस परसेंट सीपी दिया हो, तो दो एसपी निकालना है। अब तक हमारा गेन लॉस, गेन परसेंट लॉस परसेंट था, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस व्हेन गेन परसेंट गिवन एंड सीपी गिवन, सेलिंग प्राइस व्हेन लॉस परसेंट एंड सीपी गिवन। अब है इस अब है सी एसपी की जगह क्या है हमारा, सीपी सीपी निकालना है। सीपी जब गेन परसेंट एसपी दिया हो, दो दिया हो, सीपी जब निकालना तो एसपी और गेन परसेंट दिया रहेगा या एसपी या लॉस परसेंट दिया रहेगा, जब दो दिया रहेगा तभी वो निकलेगा, अदरवाइज ऐसे फाइन नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ जो है सीपी निकालने का 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी होता है, जब गेन के केस में ये होगा। और यहाँ पर सीपी निकालने का फॉर्मूला 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो ये आई थिंक ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, इस फॉर्मूला को याद कर लेना। आपको नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा इससे रिलेटेड जो होगा, आपको प्रॉब्लम मिलेगा, एक्सरसाइज प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 11.1 का जो है उसके एक्सरसाइज 1, 2, 3 से रिलेटेड फॉर्मूला जो मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज रखेंगे यहीं तक। थैंक यू।